It is easy to make promises. It is hard work to keep them. People with good intentions make promises. People with good character keep them. शंतनु को छोड़कर गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को अपने साथ ले जाकर उसे राज्य पालना नियम और सभी शास्त्रों में प्रवीण बनाकर देवव्रत युवावस्था में आते ही उन्हें शंतनु के पास भेज दिए। शंतनु ने देवव्रत को युवराज के रूप में पट्टाभिषेक किया। इस तरह कुछ साल बीतने के पश्चात जब एक दिन शंतनु गंगा नदी के तट पर विचरण कर रहे थे तब उन्हें अचानक दिव्य सुगंध आने लगा। विचार करने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि वह सुगंध नाव चलाने वाली एक निषाद कन्या सत्यवती से आ रहा है। सत्यवती से मोहित हुए शंतनु ने सत्यवती के पिता दासराज के सामने सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दासराज ने देवव्रत की जगह पर सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र ही राजा बनने की शर्त रखने से शंतनु शर्त अस्वीकार कर चिंतित मन से राजमहल लौट गए। अपने पिता का चिंतित मन का कारण जानने वाले देवव्रत ने तुरंत दासराज के पास जाकर सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र ही राजा बनने का वादा किया। तब दासराज को और एक शक आया कि अगर देवव्रत के पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन लिया तो? दासराज का यह शक सुनते ही देवव्रत ने विवाह भी ना करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की। देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर आसमान से देवताओं ने फूल बरसाए और इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण तब से देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर दासराज ने सत्यवती का विवाह शंतनु से करने का निर्णय लिया। सत्यवती से उनका विवाह और भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में जानने वाले शंतनु ने भीष्म को उसकी मृत्यु भी उसकी अनुमति से ही प्रभाव डालने का इच्छा मृत्यु का वर दिया।